एक और अच्छा शॉट, यहाँ पे कोई मौका नहीं फील्डर के पास, बम बनाता हुआ चौका, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था। हम आपकी टीम का लिए काफी कुछ कर रहे हैं। उत्तराखंड में कहाँ पड़ता है आपका घर? मेरा पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ब्लॉक और गांव भी बताएं। ब्लॉक नैनी डाना, ग्राम बलवीर सिंह है, काफी खतरनाक बैट्समैन है जी। बहुत अच्छा। कप्तान दयाल सुंदरियाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दयाल साहब हमारे द्रविड़ टीम, हमारी टीम के द्रविड़ है। जो ये कमाल है हरीश नेगी के बल्ले से, खूबसूरत शॉट, यहाँ पे हवा में बॉल है और बहुत ही सुंदर कैच यहाँ पे, क्योंकि खेल प्रेमी उत्तराखंड से हैं। अगली गेंद ऊंचा खेल दिया है, हवा हवाई शॉट, पीठ का जवाब पत्थर से देते हैं। संभाल के गेंद एक बार फिर जमीन के सहारे खेला, थोड़ा मिस्टी, एक रन को दो में तब्दील कर लेंगे जवां कदम। विनोद नगर 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर जा पहुंचा 112 है, 112 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 11 ओवर। सोमपाल की गेंद और खूबसूरत शॉट, 4 रन मिलेंगे, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, माफ कीजिएगा किसी फील्डर के पास। खूबसूरत, हालांकि नीरज हृदय से ओपनिंग करते आए थे, मगर आज यहां पर बढ़िया शॉट है, कमर और एक्स्ट्रा कमर के बीच में से, और वहां पर बहुत ही उनके लिए एक नई पहचान मिली है दोनों खिलाड़ी को। इस बार बढ़िया शॉट है ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर, बल्कि एक रन पूरा किया है जब तक कमर से के फील्डर, मगर तब तक 2 रन बनाने से नहीं रोक सकेंगे। 12 ओवर के समाप्ति के बाद 118 रन 4 के बाद एक बार फिर से अजीत रावत, यहां पर बढ़िया शॉट गैप में मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रन, बहुत ही खूबसूरती से उसे उसके सामने संदीप सिंह गुसाई और नीरज राइट आउट कम, यहां पर कवर के ऊपर से उठाकर मारा है, मगर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। 2 रन यहां पर भाग कर पूरे किए गए, क्या शानदार रनिंग विद इन द विकेट है, आंखों आंखों में इशारा हो गया है राजेश सिंह के लिए। राजेश सिंह रावत एक बार फिर से ओवर द विकेट, गेंदबाजी यहां पर सुरक्षित करने की कोशिश किया और पैर के उंगली आसमान की तरफ, आउट हो चुके हैं संदीप। बिखर गई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा यहाँ पर स्लॉग सुपर्स में। रावत जी अपना प्ले 11 फॉर्म भर ले और अरविंद नौगई जी पौड़ी 11 के दोनों भाई गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन, बहुत ही शानदार लॉन्ग लेग के ऊपर से, मगर नहीं समझ चाहूंगा। अगली गेंद एक बार फिर नीरज ने उठाकर खेला है, मगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सीधे उनके हाथों में गेंद और कोई गलती नहीं, और सामने है अमित, समझ जाऊंगा हवा में है पहले से बल्ला का, ओ इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, फाइनल की दिशा में गई, खिलाड़ी उसके पीछे भागे जा रहे, मगर कोई फायदा नहीं, और चुका हूं 1 रन पूरा किया है और 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुके हैं, यानी कि पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। भी बहुत जरूरी और बगैर तकनीक का जोश किसी काम का नहीं होता। ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार बढ़िया शॉट कवर की तरह भी खेलते हो, गेंद हाथ से चिपकी और गेंद सीधे, इस बार ऑफसाइड पर खेला है कवर की दिशा में, बहुत ही शानदार फील्डिंग और 1 रन से तो रोक नहीं कितने गेंदे कर रहे हैं, टिप्पा खाने के बाद कभी गेंद बाहर निकालते हैं और कभी अंदर लाते हैं, ये मुश्किलें बढ़ाते हैं बल्लेबाज के लिए। बढ़िया शॉट कवर की दिशा में, मगर उतनी शानदार फील्ड में, और जो अच्छी गेंद को सम्मान दे रहे हैं तो इसका मतलब कि क्रिकेट जो है वो बहुत ही रोमांच की तरह बढ़ेगा। इस बार पाइल लेग के ऊपर से बहुत खूबसूरती से स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया है, 4 रन, सर्कल के अंदर 14 ओवर चला, उसके बाद शॉट को फहरा दिया जाएगा ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार कट किया बहुत खूबसूरती के साथ गली और पॉइंट के बीच में से,
चार ओवर 37 रन बगैर किसी नुकसान के जय मां बूंगी देवी की डीप एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट कवर ये सब यहां पर तगड़ा शॉट मिड ऑफ के ऊपर से छह रन ठीक हमारे कमेंटिंग बॉक्स के ऊपर जमीन से खोदकर आप देखें कि कौन सी गेंद को कहां खेलना है इस बार बहुत ही खूबसूरत आसमानी शॉट मिड विकेट के ऊपर से छह रन काफी हताश और काफी निराश होंगे इस बार पेट पे टकराई है क्वेश्चन पूछा पास से हो आउट हो गए सीधे वहां पर को इस्तेमाल करना है बहुत ही बढ़िया अनुभवी कप्तान इस बार क्लिक किया ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है दो खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं मगर कोई फायदा नहीं सेकंड लास्ट डिलीवरी दिस ओवर बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री के बाहर चार रन कोई एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद कमेंट ओवर की पांचवी गेंद बहुत सुंदर बॉल थी शरीर से टकराई और आउट बहुत सुंदर प्रहार मां बूंदी देवी क्लब के द्वारा अगली गेंद का निकला है चार रन मिलेंगे प्रयास जरूर किया था फील्डर ने बीच में कराए गए थे नए ओवर की पहली गेंद हवा में उछाली है कोई मौका नहीं कैच का चार रन के लिए और जा पहुंचा 76 से 26 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट चले अगली गेंद को पूरा शॉट बॉलीवुड की भाषा में कहो तो श्रीदेवी का हवा हवाई शॉट छह रन बलूत की गेंद एक और करारा शॉट कोई मौका नहीं फील्डर के पास गैप में जाता हुआ अगली गेंद एक और करारा शॉट कोई मौका नहीं गैप में खेली भी किसी संत चिकित्सक की तरह अपना बल्ला और अब 92 जा पहुंचा स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 9.2 रन प्रति ओवर अगली गेंद ऊंचे ऊंचे पे खेला है माधुरी धक शॉट और ये दिल तोड़ गया देवभूमि इस बार बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक और गेंद चार रन के लिए सीमा रेखा के बाहर एक बार फिर ओ क्या क्लीन बॉल बेहतरीन गेंद थी पूरी तरह से चकमा खा गए और सही वक्त पर विकेट मिला है मगर ऐसे जय मां बूंदी देवी की टीम कतई नहीं कर सकी और उनका कमयाजा भुगा था बड़ा इस बार बहुत खूबसूरती के साथ ऑफ साइड पर खेला मगर एक रन से ही संतुष्ट होना होगा मगर दो रन यहां पर पूरे कर ले जाएंगे बहुत ही बढ़िया रिव्यू बिटवीन द विकेट आंखों देवी की टीम को पांच गेंदे 23 रन बहुत मुश्किल कार्य होगा यहां से उठाकर खेली भी स्टोक मगर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है एक खिलाड़ी अब पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है बिना दगल के कदम का इस्तेमाल किया और आउट होना होगा जी हां बहुत ही बढ़िया तरह से उत्तराखंड वॉरियर्स की टीम ने यहां पर जीत हासिल कर ली है बहुत बड़ी जीत बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया उत्तराखंड वॉरियर्स विरोध नगर की टीम ने एक